नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप पेट्रोल पंप की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल पंप की डीलरशिप आपको लेनी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, प्रॉफिट फरार ढमकाना, क्या क्या चीज़ चाहिए, सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं चाहूँगा इस वीडियो का आप पूरा एंड तक देखें ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि आप लोग स्किप करके देखते रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। और वही चीज़ आप मुझसे मेल पे रिपीटेडली पूछते रहते हो या सोशल मीडिया में मेरे हैंडल पे आप रिपीटेडली वही चीज़ पूछते रहते हो, तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि एक ही चीज़ को मैं चार चार बार एक सिंगल लोगों को बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि यार मैं पहले बता चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए। ज़रूर सुना होगा कि मेरे पिताजी का पेट्रोल पंप थोड़े ना, या तेरे पिताजी का पेट्रोल पंप है क्या। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे ये बोले तो आपको पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेनी चाहिए। लेनी क्या चाहिए, अगर आपके एरिया में कंपनी आने वाली है, कंपनी आना चाहती है, तो आपको उसके डीलरशिप ले लेनी ही चाहिए, आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है क्या, आपके पास होना चाहिए धन, मनी होनी चाहिए आपके पास, बहुत मोटा पैसा होना चाहिए। 50-60 लाख रुपए तो कम से कम होने ही चाहिए, इसके नीचे की बात मत करना, क्योंकि आप पेट्रोल पंप चला रहे हो, चने तो पेश नहीं रहे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। देखिए, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा है। अगर आप छोटा बिजनेस करते हो तो सिंपल सी बात है, छोटा छोटा प्रॉफिट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन एक ऐसा बिजनेस है ना, अगर आपने कर लिया तो आपकी अगली पीढ़ी यही करेगी, उससे अगली पीढ़ी भी यही करेगी। मतलब ये ऐसा बिजनेस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तभी तो ये लोग पेट्रोल पंप के पीछे इतने लोग पागल क्यों है, कुछ तो रीज़न होगा, यही रीज़न है। ठीक है, सो बात करने वाला इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट में। ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, अगर आप शेयर पे खोल रहे हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, गांव में खोल रहे तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है। नेशनल हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे, कहाँ पर, किस स्टेट में पड़ रहा है, उस पर डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा। देखिए, आप शहर में खोल रहे हैं तो आप कम से कम 4-5 स्टेशन लगाएंगे, 1-2 पेट्रोल के, डीजल के, और 2 और लगाएंगे पेट्रोल के, फिर उसमें हवा भरने की जगह होती है, फिर ऑफिस होता है, फिर ये चीज़ें होती है, तो कम से कम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। उसके बाद कम से कम 25 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए जो आप काम करने के लिए यूज़ करेंगे। देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ। ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना घर बनाने में, शादी करवाने में, बच्चों की शादी करवाने में, या किसी बिजनेस को खड़ा करने में जितना सोचते हो ना पैसा, उससे ज़्यादा ही लगता है। इस बात को आप नोटिस कर लो। तो इससे अच्छा क्या फ़ायदा कि आप बोले कि यार उस एक जगह पे आ गया, क्या पैसा ख़त्म हो गया है, और आप फिर आप बोलो यार मेरे को अब मैं ये नहीं सोचता मुझे, तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लेके चलो, इन्वेस्टमेंट थोड़ा अच्छा लेके चलो, तो ज़्यादा अच्छा है ना आप लोगों के लिए। देखिए, जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताया है ना, ये हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए शायद बहुत 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 ज़्यादा है, किसी के लिए अच्छा 60-70 लाख रुपये तो है छोटू पेटी खोलना, तो किसी के लिए ऐसा होगा। शायद ये वीडियो तीनों तरीके के लोग देख रहे होंगे, है ना, तो इसे इन्वेस्टमेंट उनके हिसाब से अलग अलग होता है। सो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ठीक ठाक और आप चाहते हैं कि आपको एक डीलरशिप खोलनी है, ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, सच में रिक्वायरमेंट है, और आप चाहते हैं कि आपकी लोकेशन पर जगह आ जाए, तो आप हमारी कंपनी की हेल्प ले सकते हो इस चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में। हमारे एक मिनिमल सी परसेंटेज के हिसाब से कमीशन चार्जेस होते हैं कि हम आपको इस्टेब्लिश करके दे देंगे एक पेट्रोल पंप, उसके डीलरशिप दिलवा कर दे देंगे, अगर आपकी चीज़ें सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट ठीक है, ज़मीन ठीक है, और आपका इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो जाता है, वो हम आपके लिए सारा काम आसान करके दे देंगे। मतलब आपके लिए, आपको ज़्यादा ताम झाम नहीं करना, सारे ताम झाम हमारे हैं। सो करना क्या है, उसके लिए आपको मुझे मेल करना है boletotech@gmail, उसके बाद सारी जो प्रोसेस है हमारी कंपनी वाले मेल के थ्रू आपसे डिस्कस कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद आप बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जितना इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके डॉक्यूमेंटेशन। लीगल ताम झाम इसमें बहुत होता है, क्योंकि यार एक कंपनी ना, ये कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही बारीकी से चेकिंग होती है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आप लोग लिस्ट बना कर रख लीजिए, आप इसको वीडियो को सेव कर लो या फिर पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ। सबसे पहले लैंड क्लियर होनी चाहिए, वो आपके नाम पे है तो बहुत ही बढ़िया, गजब ही बढ़िया, ठीक है। अगर डिस्प्यूटेड है, मतलब फैमिली में किसी के नाम पे है, तो सबके NOC चाहिए होंगे जिस लैंड के मालिक होते हैं, पूरा क्लियरेंस चाहिए होगा जिस लैंड पे आप खोलना चाहते हैं उस कंपनी के साथ, उसका पूरा ब्लूप्रिंट लेआउट अपनी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उससे पास आउट कराना पड़ेगा,
आपके जो एरिया का जो डीएम है, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ के डीएम के साइन चाहिए, क्लियरेंस साइन चाहिए होगा कि आपको यहाँ पे पेट्रोल पंप खोलने के लिए परमिशन चाहिए इस एरिया में, ठीक है। अगर आप गांव में रहते हो तो आपके पंचायत की लिखित परमिशन आपको लगेगी। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, इंडियन सिटीज़न होना कंपलसरी है। अगर आप NRI हैं, घबराइए मत, आप भी खोल सकते हैं, लेकिन 18 महीने तक आपको यहाँ पर रहने का प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि 18 महीने के बाद ही आप खोल सकते हैं। एज 21 साल से लेकर 55 साल, और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12, और अगर आप OBC हैं तो 10, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। इसके बाद आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी बिजनेस खोल करने के लिए, GST देना पड़ेगा आपको ना आपको, फिर इसमें आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपके ITR देखी जाएगी कि, और जिस बिज़नेस को आप लोग अभी कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसका अच्छा चलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगी, करंट अकाउंट चाहिए होगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, यही जो बेसिक चीज़ें हैं यही चाहिए आपको। बाकी जो चीज़ चाहिए होगी कंपनी आपके साथ डिस्कस कर लेगी कि हमें स्पेसिफिक इस जगह का या फिर इस चीज़ के लिए हमारी कुछ आपत्ति है, हमारे डॉक्यूमेंट से प्रूफ कर लीजिए या फिर इस डॉक्यूमेंट हमें पूरे कर दीजिए। चलिए अब बता देते हैं इसके अंदर आपको प्रॉफिट क्या रहने वाला है। ऑन एन एवरेज एक पेट्रोल पम्प एक दिन के अंदर 6,000 पर लीटर पेट्रोल और डीजल सेल कर देता है। इससे ज़्यादा भी सतह से कम भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 5,000, चलिए 5,000 पकड़ लेते हैं। तो पर लीटर में जो कमीशन है आपके पेट्रोल के अंदर वो 3.26 रुपये है अप्रॉक्स, और डीजल में 2.80 रुपये है, और एक लीटर में इतनी कमीशन आपको मिलती है। ये आपका प्रॉफिट है, जितने ज़्यादा लीटर आप पेट्रोल और डीजल बेचोगे तो उतनी आपकी कमीशन ज़्यादा हो जाएगी। आराम से आप 4 से 5 लाख रुपए मंथली आराम से अर्न कर लेंगे, ज़्यादा भी कर सकते हैं कभी कभी तो। और एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें आपको वेट नहीं करना कस्टमर एक महीने बाद मेरे को सेल करने का, भैया हर दिन गाड़ी बिकती है, हर दिन गाड़ी लोग लेते हैं चलाते हैं आप उससे, गाड़ी क्या है बाइक, छोटी छोटी चीज़ें भी उनके पेट्रोल के बिना चलती ही नहीं है। तो ये तो ऐसा बिजनेस है उसमें तो ये तो आप लोग फ्री बैठ ही नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ उसमें आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, उसकी एक डबल शिफ्ट में काम कराते हो तो उसका सारा एक्सपेंसेस हमें निकाल के आराम से आप 3-4 लाख रुपये इसमें आराम से कमा लेंगे। तो इसलिए मैंने बोलता है इन्वेस्टमेंट का टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल भी, आपको जो रनिंग फ्लो है उसके लिए आपको पैसा हाथ में इन हैंड कैश चाहिए होगा, नहीं तो आप इसको चला नहीं पाएंगे। मैंने प्रॉफिट के बारे में बता दिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप छोड़ दो कि इसमें आप कितना कमाओगे, एग्जैक्टली कितना कमाओगे, प्रॉफिट बहुत है, अंधा पैसा है, तो बस ये समझ लो इस चीज़ को, प्रॉफिट हो गया। अब इसमें बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई की बात करो तो यार ऑफिशियल वेबसाइट है IOCL, HPCL, BPCL, ये गवर्नमेंट पेट्रोल पम्प है, ठीक है। और हमारा दूसरा पेट्रोल पम्प होता है रिलायंस और शेल, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखिए कि कहाँ कहाँ पे इजीली अभी अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, तो उस हिसाब से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा लकी, आप बहुत लकी हैं तो सिंपल से बात, आपकी जगह जहाँ पर आपके लैंड है वहाँ स्टेट में आपके ये लोग आ रहे होंगे और इजीली आप फॉर्म फिलअप करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए जो फॉर्म की साइन फीस होती है वो 1,000 रुपये है, और अगर आप OBC कैटेगरी SC ST के अंदर आते हैं तो 100 रुपये में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे। तो क्या होता है इसके अंदर, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में ऐसा होता है कि वो आपसे जो बेसिक क्वेश्चन है आपके देखते हैं कि आप वाकई में वो पर्सन हैं या नहीं है जिनको ये आपको ये डीलरशिप लेनी है, आप कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, बिजनेस चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, क्योंकि कंपनी वाले आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं भैया, 1 साल के लिए 2 साल के लिए नहीं कर रहे, वो 15-20-25 साल से आप साइन करेंगे और वो चाहते हैं कि उनका सारा जो एनर्जी है, टाइम है, पैसा है, वो वेस्ट ना जाए, तो इसी वजह से वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं तो उनका लॉटरी सिस्टम होता है, आपने सुना होगा लॉटरी सिस्टम निकालते हैं वो लोग। लॉटरी में ये होता है कुछ गिने चुने इंटरव्यू लॉटरी निकालते हैं और 10-20 लोगों को ये इंटरव्यू के बुलाते हैं, जो उनको सुटेबल लगते हैं प्रोफाइल के हिसाब से तो उसको ये दे देते हैं कि हाँ आपकी डीलरशिप हुई, चलिए आप विजेता हैं, आप पेट्रोल पम्प खोल सकते हैं यहाँ पे। तो अब बात करते हैं पेट्रोल पम्प दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है डोडो, एक होता है कोको। कोको वाला जो होता है कंपनी ओन कंपनी ऑपरेट होता है, मतलब IOCL जो होता है इंडियन ऑयल है उसका उस जमीन को खरीद रखा है, उसको लीज पे रह रखा है और वो स्टाफ की सैलरी दे रहा है, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने लगाया है और आपको एज ए मैनेजर वो एक तरीके से आपको हायर करते हैं 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के उसमें कि आप हमारा ये पेट्रोल पम्प चलाइए हमारे लिए, है ना, ऐसा करते हैं ये लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कंपनी वाले कोको वाले। और आपने देखा होगा कोको वाले जो पेट्रोल पम्प होते हैं ना, अगर आपको पता करना है कि वो कोको वाले हैं या नहीं है तो वहाँ पे ना फैसिलिटी बहुत तगड़ी होगी, अब वहाँ का पेट्रोल भी एक क्वालिटी का होगा, मतलब वहाँ पे धांधलीबाजी ना बहुत कम होती ही नहीं है, कोई कंपनी का सारा कंट्रोल तो भैया कैसे होगी। तो ये तरीके की एक जॉब है, कोई मैं डीलरशिप नहीं बोल सकता इसको कोको वाला, जो डोडो मॉडल है डीलर ओन्ड डीलर ऑपरेटेड डोडो, तो
तो ये स्पेसिफिकली है जो लोग इसके लिए भागते हैं, पीछे भागते हैं। और जो मैंने वीडियो बताया है वो डोडो मॉडल के लिए ही है, क्योंकि मेन तो यार आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा, तो आपको फील कैसे आएगा वाला कि मेरा पेट्रोल पंप है, मेरे पिताजी का पेट्रोल पंप है, तो फील नहीं आने वाला ना। तो फील के लिए क्या कर रहा है आपको, डोडो वाला अप्लाई करना है, और डोडो वाला ही के लिए ही करना है। और जो कि जिनको पेट्रोल पंप का एक्सपीरियंस लेना है ऐसे कोको मॉडल के अंदर, तो भैया आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो जॉब के लिए, वो भी वेबसाइट में आपको इसी नहीं मिल जाता है। तो ये डोडो को दो मॉडल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो देखिए बहुत आसान है ऐसा तो नहीं बोलूँगा, इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। एक बार में शायद मेरे ख्याल से किसी को नहीं मिला आज तक किसी भी डीलरशिप किसी पेट्रोल पंप की। सो अगर आपको ईजीली स्मूथली सब कुछ रन कराना है तो आपको करना क्या है, बोले तो tech@gmail.com, हम लोग आपके साथ ही हैं। क्या करेंगे, थोड़ी सी दक्षिणा लेंगे आपसे और काम कर देंगे आप लोगों का, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपको करवाना है काम तो क्या करना है, मेल करना है। ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए, ऐसे ऑसम वीडियो के लिए आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और आप मेरे इंस्टाग्राम का पेज भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत ऑसम कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ। कोशिश चल रही है और आपका सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।